नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। और एरो इंडिया शो में हम पहुंच गए हैं रफाल के काउंटर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुप्रतीक्षित रफाल है, जो कि इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। ये लगातार भारत में फ्रांस से आया हुआ जहाज़ है और कहते हैं कि हजारों लाखों दुश्मनों की फौज पे एक अकेला रफाल भारी पड़ता है। हम आपको रफाल के बारे में बता दें कि ये एक ओमनी रोल का एक फाइटर प्लेन है। इसमें 02X SNECMA M88 इंजन लगा हुआ है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट जो है 50 किलो न्यूटन का है। और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 माइल पर सेकंड है। बहुत तेज प्लेन है ये, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 50,000 फुट, यानी ये प्लेन 50,000 फुट की ऊंचाई पर भी लगातार उड़ सकता है और दुश्मनों पर नज़र रख सकता है। एक बार तेल भरने के बाद ये 3,700 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, यानी कि आधी दुनिया का चक्कर लगा सकता है रफाल। हम आपको बता दें कि रफाल एक अत्याधुनिक फिफ्थ जनरेशन प्लेन है, और इसकी मिसाइलें और इसका स्पेसिफिकेशन बहुत ख़ास है। और ये इसमें सफरान कंपनी बनाती है, फ्रांस की सफरान कंपनी जो है रफाल प्लेन बनाती है। आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी ढेर सारी ह्यूज मिसाइलें हैं, और ख़ास बात यह है कि रफाल में हवा से हवा में ईंधन भरने की सुविधा मौजूद है, यानी कि इसमें हवा में ही इसकी रिफिलिंग हो सकती है। से कॉकपिट में दो लोगों के बैठने की जगह है। मैं अपने कैमरामैन दोस्त को कहूँगा कि उसे कॉकपिट ये दिखाएं। आप देख सकते हैं कि रफाल टू सीटर प्लेन होता है और फिफ्थ जनरेशन प्लेन है ये। और हम आपको इसी तरह से एरो इंडिया 2023 की झलकियां और अलग अलग प्लेन की स्पेसिफिकेशन बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।